किस तरह भ्रष्टाचार होता है, जिला पंजीयन कार्यालय यानी रजिस्ट्री ऑफिस दुर्ग में इसका खुलासा हम करने जा रहे हैं, जहां जिला पंजीयक के दफ्तर यानी रजिस्ट्री ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी ने नाम परिवर्तन के आदेश कराने का 25,000 रुपए की मांग की और इंडियन न्यूज ने 15,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों अपने कैमरे में कैद कर लिया है। देखिए इंडियन न्यूज का स्ट्रिंग ऑपरेशन। इस आवाज को ध्यान से सुनिए, जिसमें जिला पंजीयन कार्यालय दुर्ग की कार्यरत कर्मचारी फोन पर चर्चा कर रही है और कह रही है कि जिला पंजीयक मैडम ऑर्डर देने का 25,000 रुपए मांग रही है। फोन पर दूसरी आवाज उस प्रार्थी की है जिसका नाम परिवर्तन करना है। हेलो, हाँ भैया, मैं ये बोल रही हूँ कि ना उसमें पता कर ली हूँ, मैडम बोले हैं कि सिर्फ आदेश का 25,000 रुपए उनको देना है। भाई मिला के अच्छा, क्या बोल रहे हैं? और आदेश का पैसा जो वो आदेश देगी ना, जी जी, आदेश लेटर बना के देगी, उसका 25,000 मांग रही है और उसमें जो चलान वलान होगा और रजिस्ट्री करवाएंगे वो सब मिला के लगभग 40-45 तक जाएगा। 40-45 तक। हाँ, और चलान भी जो है मैडम जो है निर्वाचन का ड्यूटी लगा हुआ है। हाँ, हाँ। नहीं करूंगी बोली है, वो बोली है कि होली के बाद करूंगी। होली के बाद? हाँ, होली के बाद करेगी, सिर्फ आदेश करने का वो 25,000 रुपए लूंगी बोली है और बाकी जो खर्चा है मतलब रजिस्ट्री वजिस्ट्री ये सबको मिला के लगभग 40-45,000 मान के चलो। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, तो आप बोलेंगे तो मैं उसको लेटर वेटर डाल के देती हूँ और अगर नहीं बोलेंगे तो अभी नहीं दूंगी। तो वैसे भी होली के बाद ही होने ना मैम, कितने दिन में होगा? नहीं तो होली के बाद होगा, तो होली से पहले इनपुट करना पड़ेगा ना। अपन लेटर डालेंगे, हम अनफिट है मतलब, एक लेटर बनाऊंगी मैं, आपको फोटो खींच के भेज दूंगी आपके भैया के नाम से, तो उसको अभी जमा करेंगे। तब तो वो 3-4 दिन से जमा है करके, मतलब तुरंत नहीं बनाते ना, 3-4 दिन से जमा है करके, हम लोग का आज जैसे जमा कर दी मैं, अब छुट्टी कल से लग गई तो 3-4 दिन का जमा है करके बोलेंगे तो आने के बाद बनाएंगे, और अगर आने के बाद मैं लेटर डालूंगी तो फिर 3-4 दिन और लेंगे वो। अच्छा, हाँ, तो आप घर में बता दीजिए क्या बोलते हैं, बताइएगा, उस हिसाब से लेटर बनाऊंगी, है ना। तो प्रोसेस करने में कितना टाइम लग जाएगा मैम, वाला क्या बोलते हैं नाम ट्रांसफर होने में? फिर क्या बोल रहे भैया, ये ट्रांसफर होने में कितना दिन लग जाएगा? ट्रांसफर ऐसा है मैम, आदेश दे दिए ना। हाँ? आदेश देने के बाद में 1 दिन बस, मैं तुरंत टोकन दे दूंगी और तुरंत टोकन लेके उसी दिन रजिस्ट्री करा दूंगी। मतलब ऐसा है कि आदेश मेन है, आदेश आप लेके 1 महीना भी बैठ सकते हो, 2 महीना, 4 महीना, जब आपके पास पैसा है तब, लेकिन आदेश जो है ना, आदेश जल्दी करते नहीं है और अभी चुनावी ड्यूटी में और बिजी हो जाएंगे, तो इसीलिए आदेश का तो देना ही पड़ेगा, ऐसा है। मैडम का नाम क्या है? पूर्वी मैम। पूर्वी मैम? ध्रुवे, ध्रुवे, ध्रुवे। हाँ, ओके ओके। बातचीत आपने साफ साफ सुना होगा कि जिला पंजीयक मैडम ऑर्डर कराने का 25,000 रुपए ले रही है। पहले हम उस पीड़ित की कहानी सुनते हैं कि क्यों उनसे 25,000 रुपए की मांग की गई। मेरे बड़े भाई के नाम पे कंपनी थी, अगर उनका पिछले 3 साल पहले एक्सीडेंट होने के कारण वो कंपनी नहीं चला पा रहे, तो मैंने कंपनी नाम ट्रांसफर कराने के लिए यहाँ पर आया था, तो उन्होंने कहा कि नाम ट्रांसफ़र कराने के लिए जो आदेश जारी होगा उसके एवज में आपको 25,000 रुपये पहले देना पड़ेगा, उसके बाद उसका जो प्रोसेस है स्टाम्प ड्यूटी वगैरह है वो अलग से आपको देना पड़ेगा। तो मैंने पूछा मैम कि आपको किसके आदेश जारी करने पड़ेगा, तो बोले कि ध्रुवे मैडम है, वो आदेश जारी करेंगे तब जाके आपका काम आगे बढ़ेगा, प्रोसेस में आएगा। आपने सुना कि जगजीत विश्वकर्मा ने क्या कहा, जब 25,000 रुपए मांगने की जानकारी इंडियन न्यूज को लगी तो इंडियन न्यूज ने इस भ्रष्टाचार की पोल खोलने पंजीयक कार्यालय दुर्ग की कार्यरत कर्मचारी के दिए समय पर वहां पहुंच गए और 15,000 रुपए देते अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस वीडियो फुटेज को आप ध्यान से देखिए कि कैसे पंजीयन कार्यालय दुर्ग की कार्यरत कर्मचारी घूस के 15,000 रुपए लेते दिख रही हैं। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण के बाद राज्य के सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को कड़े शब्दों में कहा था कि किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बातों और चेतावनी का दुर्ग के रजिस्ट्री कार्यालय में कोई फर्क नहीं दिख रहा और बेखौफ होकर रजिस्ट्री कार्यालय में लेन देन की परंपरा जारी है।
जब इंडियन न्यूज ने रजिस्ट्री कार्यालय के पंजीयक पुष्पलता ध्रुव से जानना चाहा कि आपके दफ्तर में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उन्होंने फोन पर ही पंजीयन कार्यालय दुर्ग की कार्यरत कर्मचारी को कार्यालय की कर्मचारी होने से ही इनकार कर दिया। आपको पुनः दिखाते हैं रजिस्ट्री कार्यालय का ये वीडियो, जिसमें घूस की रकम पंजीयक कार्यालय दुर्ग के कार्यरत कर्मचारी ले रही है। मेरे घर से ही है, मैं तो ट्रांसफर का मेरा काम है। मेरे घर से ही है, मैं तो ट्रांसफर का मेरा काम है। पंजीयक कार्यालय दुर्ग में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा इंडियन न्यूज ने कर तो दिया है, लेकिन इस पर पूरी तरह लगाम कब लगेगा और रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचने वाले आम नागरिकों की जेब कटना कब बंद होगा, यह देखने वाली बात होगी। इंडियन न्यूज बहुत जल्द ही दुर्ग रजिस्ट्री कार्यालय का एक और खुलासा करने जा रही है, जिसमें दुर्ग रजिस्ट्री कार्यालय में कब कैसे लेन देन किया जाता है, यह देखना ना भूलें, सिर्फ इंडियन न्यूज में।